हर्ष यूं तो हमेशा अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन जब वो काम के लिए बाहर चले जाते हैं तो फिर उनका एक नया परिवार बन जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस परिवार की बात कर रहे हैं हम, तो आपको बता दें कि ये और कोई नहीं बल्कि जहां बॉलीवुड स्टार्स काम करते हैं वहां उनके परिवार की बात हो रही है। आप सब जानते हैं कि सेट पर काफी सारे लोग मौजूद होते हैं, तो ऐसे में सेलिब्रिटीज को सारे लोग अपने परिवार जैसे ही लगने लगते हैं। आपको बता दें कि इन सब में अहम भूमिका निभाते हैं बॉलीवुड स्टार्स के बॉडीगार्ड। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स हमेशा किसी न किसी इवेंट पर जाते रहते हैं, ऐसे में लोगों की भारी भीड़ उन्हें बहुत हद तक परेशान भी कर देती है, जिसकी वजह से बॉलीवुड स्टार्स पर्सनल बॉडीगार्ड रखते हैं। सलमान और शाहरुख जैसे बड़े स्टार्स के बॉडीगार्ड अब खुद अपने आप में ही सेलिब्रिटी बन चुके हैं। इसी तरह से बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को अपने पास ही रखती हैं। आपको हम बता दें कि दीपिका पब्लिक प्लेस पर उनके साथ हमेशा नजर आ जाती हैं। दीपिका के बॉडीगार्ड का नाम जलालुद्दीन है। जलालुद्दीन दीपिका के साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। दीपिका अब जलालुद्दीन को अपने बॉडीगार्ड की तरह नहीं बल्कि अपने भाई की तरह देखती हैं। जानकारी दे दें कि कुछ सालों से दीपिका पादुकोण जलालुद्दीन को राखी भी बांधती हैं और वो दोनों रक्षाबंधन एक साथ मनाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी में जहां एक तरफ दीपिका के सारे रिश्तेदार नहीं पहुंचे थे, तो वहीं दूसरी ओर जलालुद्दीन दीपिका की तरफ से पहुंच गए थे उनकी शादी अटेंड करने। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा जलालुद्दीन दीपिका पादुकोण के क्लोज हो चुके हैं। आपको हम बता दें कि जलालुद्दीन की सैलरी कितनी है। पिछले दिनों खबर ये आई थी कि 80 लाख सालाना रुपए दीपिका अपने बॉडीगार्ड को देती हैं। ऐसे में दीपिका ने कभी अपने मुंह से तो नहीं बताया, लेकिन कहा ये जा रहा है कि अभी की अगर बात करें तो कम से कम वो अपने बॉडीगार्ड को 1 करोड़ रुपए देती हैं। अब इससे भी आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जलालुद्दीन दीपिका के कितने ज्यादा करीबी बन चुके हैं। अब बात करें दीपिका पादुकोण के काम की, तो आपको बता दें कि हाल ही में उनकी फिल्म छपाक रिलीज हुई थी, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा उनकी फिल्म नहीं पसंद आई, जिसके बाद क्रिटिक्स ने उनकी फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज भी दिए, लेकिन दीपिका निराश हो गईं, जिसके बाद उनकी नई फिल्म यानी कि 83 अब जल्द ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसके डेट को भी बढ़ा दिया गया है। इस फिल्म में वो रणवीर सिंह यानी कि अपने पति के साथ नजर आने वाली हैं, जिसके बाद अब आपको हम बता दें कि दीपिका की अगली फिल्म द इंटर्न भी आने वाली थी, वो भी ऋषि कपूर के साथ, लेकिन ऋषि कपूर के निधन के बाद अब ये कंफर्म नहीं है कि ये फिल्म आएगी भी या नहीं। तो ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, हमें जरूर बताइए अपने कमेंट्स के जरिए।